गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मी, आप सभी लोगों को मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। और इधर सुबह सुबह सूरज भगवान को दर्शन कर लीजिए, मैं कर ली हूँ। और इधर देखिए हमारा घर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और इधर है हनुमान जी का ध्वजा। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय गाइस, अब मैं ऊपर जा रही हूँ छत में, आप लोगों को दिखाऊंगी। पानी दे रहे ऊपर छत में और साथ में चाय और क्रीमबन भी लेके जा रही हूँ ऊपर बैठ के, छत में बैठ के खाऊंगी। और ये है फर्स्ट फ्लोर छत है, उसके ऊपर और एक छत बना लिया है ताकि गर्म ना लगे। तो चलिए चलते हैं छत में। अपने बाप, पांव दर्द हो गया मेरा। देखिए ठंडा ठंडा पानी, बहुत ठंडा। ऊपर हवा है, हवा। ये देखो हेलीकॉप्टर। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मुझे क्लीनिंग करना था, आप देख सकते हो कपड़ा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ना मेरे साथ ऐसे होता है, बहुत सारा जब कपड़ा हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं सारे कपड़े को तह लगा के रखती हूँ। तो इसी वजह से ढेर सारा हो जाता है, रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ ना तह, तो इसी वजह से बहुत सारा हो जाता है। और इससे मुझे तय करने में लग जाता है लगभग एक घंटा या दो घंटा तो लग ही जाता है। तो इधर मैंने आधा कपड़ा तय कर ली हूँ और ऊपर से अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाऊंगी तो और साफ़ लगेगा, उसके बाद और थोड़ा सा कपड़ा तय करना है और उसके बाद फिर मैं बस आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इधर अंदर का काम हो गया है और इधर ना तेल ख़त्म हो गया था, तेल को भर रही हूँ। और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी जो सोयाबीन है उसका सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहा के आऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। और इधर मैं आ गई हूँ नहा के, और हेयर में ऑयल लगाई थी रात को तो इसी वजह से हेयर वॉश की हूँ और नहा के आ गई हूँ। और गर्मी में हेयर में ऑयल मैं नहीं लगा सकती, इसी वजह से रात को लगा के छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद सुबह हेयर वॉश कर लेती हूँ। अपना काम भी ख़त्म हो गया है और खाना भी मैं बना ली हूँ। सो गाइस, बहुत लोग मिस कर रहे थे जो ब्लॉग करवाएगा। मेरे शॉर्ट वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आते रहते थे और मेरा जो पुराना ब्लॉग है उसमें भी कमेंट आते रहते थे जो लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट करूं। तो लो जी, आज लेकर आई हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए लॉन्ग ब्लॉग। एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और अभी कुछ दिन के लिए जो मिस्त्री लोग हैं ना नहीं आ रहे, तो मैं सोची चलो मैं तब तक ब्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि घर में लोग रहते हैं, मिस्त्री लोग रहते हैं ना, तो मोबाइल लो वीडियो बनाओ अच्छा नहीं लगता है ना देखने में, तो इसी वजह से मैं नहीं बनाती थी और बस शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती थी और डांस का भी करती थी आप लोगों के साथ शेयर। तो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इधर देखिए मैंने हेयर में सीरम लगा लिया है और सीरम लगाने से ना तो आपका जो उलझा हुआ बाल है अच्छे से सुलझ जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत मैं लगा लेती हूँ। तो आजकल बहुत मेरा जो हेयर है ना बहुत उलझता है क्योंकि काम चल रहा है ना, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जो सीमेंट की वजह से पूरा बाल खराब हो गया है, पूरा उलझ जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब कि उलझ जाते हैं और झड़ने भी लगे हैं। तो चलिए मैं हो गई हूँ रेडी और अब बैठूँगी थोड़ी देर और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। एंड ज़्यादा बकबक करी। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊँगी, मेरा एक हफ्ता नहीं तीन, हाँ लगभग एक हफ्ता हो गया है वो चीज़ आया हुआ। तो आप, एक हफ्ता नहीं हुआ है, चार दिन हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्या चीज़ है, तो आप लोग को पता चल भी क्या होगा मैं ज़्यादातर क्या चीज़ परचेस करती हूँ खरीदती हूँ। तो इधर बैठे बैठे मैं अपना शॉर्ट वीडियो देख रही थी हस्बैंड के मोबाइल से, तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी, थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। तो इधर देखिए, आज जो मैंने वीडियो शेयर किया था ना, ये बहुत ही पुराना ब्लॉग था, उसी से मैंने शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है।
और मैं देख रही थी पहले मैं कितनी दुबली थी, 48 kg की थी, अभी आप लोगों को पता है मैं 52 kg हो गई हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। बहुत लोग बोल भी रहे जो वज़न कम करो, मोटी हो गई हो। मैं कम करना तो चाहती हूँ, करूँगी कम, बट क्या करूँ, कोशिश नहीं कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँ, कोशिश मैं नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो इसी वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर ना थोड़ा मेरा पर्स था, धो के रखी थी, तो उसे मैं अंदर रख दूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं लूँगी, तो फाइनली मैंने ले लिया है। और इधर जो है ना मशीन के ऊपर क्या बोलते हैं ये ब्लाउज़ का पीस वगैरह है, चलो रख देंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा। सो गाइस ये है वो चीज़, आप लोगों को देख के पता चल गया होगा, ये जो साड़ी मैंने ऑर्डर दिया था आ गया है, 3-4 दिन हुआ है, और इसका रेड कलर का ब्लाउज है, लेकिन मुझे ब्लाउज पीस पसंद नहीं आया, बहुत ही मोटा सा है और इसमें लेस लगा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है सौभाग्यवती भवा, मुझे बोलने में जवान लड़खड़ा रहा है, तो इसमें साड़ी में भी जो लेस है उसमें सब में लिखा हुआ है सौभाग्यवती भवा, और ये जो कलर है ना मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसी वजह से मैंने लिया है। और इसके साथ जो रेड है ब्लाउज, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन जो बहुत मस्त है, तो आप लोगों को मैंने ऊपर से ऐसे ही दिखा रही हूँ आँचल को लेकर, कैसी लग रही हो बताना ज़रूर। और इसका ब्लाउज स्टिच करूँगी, उसके बाद ही पहन के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बॉर्डर बहुत मस्त है और साड़ी का कलर भी अच्छा है, जॉर्जेट है साड़ी। और जो चीज़ मुझे पसंद आता है ना, भले साल हो, 2 साल हो, 6 महीना हो, मैं लेती हूँ उस चीज़ को। ये जो साड़ी इसका तो शायद बहुत पहले ही आया था, लेकिन मैंने अभी लिया है, मैं 1-1.5 साल से देख रही थी, लेकिन अभी ली हूँ और तरह तरह आ गई हूँ चाय पीने के लिए, अभी हो गया है शाम के समय। और इधर देखिए खिड़की का, जो खिड़की बनाएंगे ना उसका कार्ड वगैरह रखा हुआ है, तो चलिए अभी शाम हो गया है और अब मैं पी रही हूँ चाय, खिड़की के पास सूरज भगवान को देख देख के चाय पी रही थी। और अब मैं जाऊँगी छत में, उसके बाद आप लोगों को छत का नज़ारा दिखाऊंगी, बहुत प्यारा लगता है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं छत में, तो इधर देखिए छत से कितना प्यारा लगता है सूरज भगवान, जो शाम का समय का बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इधर छत में पानी दिया हुआ है, सुबह में आप लोगों को दिखाई दिया, अभी तो हो गया है शाम का समय। तो चलिए आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ गाइस आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कोशिश करूँगी जो मैं डेली व्लॉग शेयर करूँ, कोशिश तो ज़रूर करूँगी मैं। मुझे शॉर्ट व्लॉग उतना पसंद नहीं है, शॉर्ट वीडियो उतना पसंद नहीं है, मुझे व्लॉग ही पसंद है, तो लॉन्ग व्लॉग। तो इधर हो गया है शाम के समय, तो थोड़ा सा ना चूल्हा को साफ़ करूँगी, गैस चूल्हा को, तो चलिए कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, व्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।